हेलो गाइस, दिस इज़ हर सिंह सोलंकी। वेलकम टू 5G+ एजुटेक। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे मीन मीडियन एंड मोड, जो कि NTPC ग्रुप डी MP कॉन्स्टेबल या कोई से भी एग्ज़ाम हो, मतलब मोस्ट फेवरेबल वो टॉपिक है जो हर बार आता ही है। आपने अभी भी देखा होगा NTPC के हर एग्ज़ाम में, अभी तक ऐसा कोई एग्ज़ाम ही नहीं हुआ जिसमें एक क्वेश्चन ना आया हो। कुछ कुछ तो चार चार पाँच पाँच क्वेश्चन आए हैं। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, मैं आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ज़्यादा लंबा टॉपिक भी नहीं है, अपन एक ही क्वेश्चन से पूरे जो जो भी इसमें मोस्ट मोस्ट चीज़ें हैं वो सब कवर कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये मीन मीडियन और मोड पढ़ना है अपन को, जिसको हिंदी में माध्य माध्यिका एवं बहुलक बोलते हैं। देखिए, सबसे पहले ये तो क्वेश्चन होगा, सबसे पहले बात आती है मीन क्या होता है ना। तो मीन किसी भी चीज़ का, मीन का मतलब होता है कि आप उसको उसका एवरेज निकालना है, कितने भी नंबर है उसका एवरेज निकालना है। जैसे कि मान लीजिए चार नंबर है, तो आप उसका एवरेज कैसे निकालेंगे? जितने भी आपको नंबर दिए उन सबको जोड़ लेंगे, आप सम कर लेंगे, और जितने भी नंबर है उससे टोटल से डिवाइड कर देंगे, तो आपका मीन निकल जाएगा। तो यहाँ पे भी अपन को मीन निकालना है। तो देखिए, मीन क्या है, तो बहुत ही सिंपल है। मीन जो कि आपने एवरेज टॉपिक पढ़ा ही होगा मैथमेटिक्स में, तो यहाँ पे इजीली मीन निकालने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी आपको। तो इन सबको आप सम करेंगे, देखो 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 4। तो जब आप इनको सम करेंगे तो इनको आप जोड़ेंगे 64 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मीन निकालना है आपको, इसको जोड़ने पे कितना आ रहा है? 64। और टोटल नंबर कितने हैं काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल नंबर 8 है और सम कितना आ रहा है उनका? 64। तो 64 डिवाइड बाई 8 कितना हो जाएगा आपका? 8 × 8 = 64, मतलब कि आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मीन निकालने में आपको कुछ नहीं करना है, जितने भी आपको नंबर दिए हुए हैं उन सबको आप जोड़ लीजिए, और जितने भी नंबर हैं उनकी संख्या कितनी है उसको आप काउंट करके उससे डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब मीन, जितने भी मीन है आपको कहीं पे भी मीन निकालना हो, चाहे कैसी भी संख्या आए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 10 आ जाए, 50 आ जाए, तो उसमें आपको सिर्फ उन सबका सम करना है और डिवाइड बाई जितने भी नंबर है उनसे डिवाइड कर देना है। अब चलते हैं अपन मीडियन की तरफ। ठीक है, अब मीडियन क्या होता है, देखिए सबसे पहले तो आपको जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आपको बढ़ते क्रम में लिखना पड़ेगा। ठीक है, बढ़ते क्रम में मतलब पहले सबसे छोटा नंबर आएगा, फिर बड़ा आएगा, फिर उससे बड़ा आएगा, फिर उससे बड़ा आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, देखो सबसे पहले तो अपन इसको बढ़ते क्रम में लिख देते हैं। ठीक है, तो बढ़ते क्रम में अगर अपन लिखेंगे तो सबसे छोटा क्या है यहाँ पे, ठीक है, 4 है, फिर आपका 5 है, फिर 7 है, फिर सॉरी 1 मिनट, चलिए एक बार वो लिख देते हैं। सबसे पहले आपका क्या है, छोटा 4 है, उसके बाद क्या है 5 है, उसके बाद आपका 4 है 5 है, उसके बाद 7 है, फिर क्या है 8 है। ठीक है, 7 है 8 है, फिर 9 2 टाइम्स है, तो आपको 2 टाइम्स ही लिखना पड़ेगा, 9 9। ठीक है, उसके बाद 10 है और लास्ट है आपका 12। ठीक है, एक बार आप इसको काउंट भी कर लीजिए, कभी एग्ज़ाम में जल्दी जल्दी में गलती हो जाती है, जब भी मतलब सेम सेम नंबर आप एकदम दिखने में या हड़बड़ाहट में। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और इधर भी कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सही है। अब देखिए, जब आपने इसको एक पहले सबसे पहले बढ़ते क्रम में लिख दिया, अब लेकिन अगर यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए ओड नंबर होते, ओड नंबर मतलब कि क्या, यहाँ पे टोटल नंबर कितने हैं, यहाँ पे आपके टोटल नंबर कितने हैं, 8 नंबर है। ठीक है, अब 8 नंबर है तो 8 में तो कोई बीच का होता नहीं है। जैसे कि मान लीजिए अगर ओड नंबर होते कि 9 होते या 11 होते या 13 होते या 15 होते, जितने भी होते, तो उसमें तो आप इजीली निकाल देते कि भैया बीच वाला जो नंबर है वही आपका मीडियन हो जाएगा। मीडियन का मतलब होता है माध्यिका, देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, जो भी इसमें सबसे बिल्कुल बीच का नंबर होगा वही इसका मीडियन होगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे तो सम है, तो सम में ना तो चौथे नंबर का जब आप देखेंगे तो ना तो ये बीच का है ना कि फिफ्थ नंबर वाला बीच का है। ठीक है, तो अब इसका क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, जो भी बीच के दो नंबर है उनका एवरेज निकाल लेना है। ठीक है, वही आपका मीडियन हो जाएगा। और अगर डायरेक्ट ओड नंबर है, ओड नंबर है मतलब विषम संख्या आएगी, जैसे मान लीजिए टोटल 9 नंबर है, तो 9 9 नंबर है, तो उसमें फिफ्थ नंबर का आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा मीडियन का। अब देख लीजिए इसमें क्या, आप सबसे पहले तो आपको बढ़ते क्रम में लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, अब देखिए 8 प्लस 9, अब यहाँ पे 8 प्लस 9 ही क्यों ले रहे हैं, देखिए टोटल नंबर कितने हैं 8। अब कभी कभी बहुत ज़्यादा नंबर होंगे तो आपको दिक्कत आ जाएगी बीच का नंबर कौन सा है, तो इसकी सिंपल सी एक मतलब वो याद रख लीजिए,
एक तो एन बाई टूथ वाला नंबर, मतलब एन बाई टू जितने भी नंबर है उसका आधा वाला नंबर और उस एंड उसके अगला वाला, ठीक है ना। उन दोनों का ही हमेशा एवरेज निकालना है, और कब लेना है, जब भी नंबर कैसे हो, इवन वाली संख्या हो। अब देखिए आप यहाँ पे, जैसे कि इवन का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे 20 नंबर होते तो 20 नंबर में एन बाई टू मतलब कौन सा, एक टेंथ वाला ले लेते अपन और एक इलेवंथ वाला ले लेते, उन दोनों का एवरेज ले लेते। अगर मान लीजिए ओड नंबर होता, ओड बोले तो जैसे कि मान लीजिए ओड वाले में कुछ नहीं करना, जितने भी नंबर है उसमें प्लस वन करके डिवाइड बाई टू करिए, और जो भी जिस नंबर का ये नंबर होगा ये वाली टर्म ही अपना आंसर हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए अगर मान लो 21 नंबर होते तो 21 में आप क्या करोगे, 21 प्लस वन डिवाइड बाई टू मतलब 22 डिवाइड बाई टू मतलब 11, जो भी 11th नंबर पे आप बढ़ते क्रम में लिख दोगे इस संख्या को, जैसे अपन ने यहाँ पे लिखा है बढ़ते क्रम में अगर आप लिख दोगे, उसके बाद जो भी 11वें नंबर का जो नंबर आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे तो ये इवन नंबर है, इवन नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर है। अब 8 नंबर में से अपन को पता ही नहीं चलेगा बीच का कौन सा है, तो बीच के अपन दो ले लेंगे, उन्हीं का एवरेज ले लेंगे। उसमें से भी दो निकालना है तो सिंपल सी बात है, जितने नंबर है उससे डिवाइड कर दीजिए और उसका अगला ले लीजिए, टोटल नंबर कितने 8, तो 8 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आप कितना आ जाएगा, 8 डिवाइड 2 करेंगे एक तो आपका फोर्थ नंबर आ जाएगा और उसका अगला मतलब कि फिफ्थ, और यहाँ इसीलिए इन दोनों का एवरेज ले लेंगे मीडियन के लिए, ठीक है। अब फोर्थ नंबर को, फोर्थ नंबर पे आपका कौन सा दिया हुआ है 8, और फिफ्थ पे कौन सा दिया हुआ है 9, और इसका एवरेज लेना पड़ेगा क्योंकि दो नंबर आ रहे हैं मीडियन। तो 8 और 9 कितने होते हैं 17, 17 डिवाइड बाई 2 कितना होगा 8.5, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, 1 मिनट। ठीक है अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए अब अगली अगली टर्म आती है मॉड, जिसको बहुलक भी बोलते हैं हिंदी में ना। अब देखिए मैंने इसको, आप पहली बात तो अगर इसको आप बढ़ते क्रम में लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, ना लिखना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बढ़ते क्रम में लिखेंगे है ना तो आपको मतलब बहुत आसानी होगी नंबर फाइंड करने में, वरना क्या कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, आप काउंट ही नहीं कर पाते हैं ढंग से, दिखता नहीं है जल्दी जल्दी में, एग्जाम प्रेशर तो रहता ही है। अब देखिए बहुलक में कुछ नहीं है, मोड मतलब हमें आपको एक मतलब याद रखने का तरीका बता, मोड देखो मोड नाम से ही समझ में आ रहा है, और इधर क्या है बहुलक, तो अगर इंग्लिश वालों को याद रखना है सिंपल सी बात है, मोड का मतलब है जो मुड़ मुड़ के बार बार जो जो डिजिट आ रहा है या जो नंबर आ रहा है वही मोड हो जाएगा। मतलब मोड का मतलब क्या हुआ, जो नंबर जितनी बार मुड़ मुड़ के बार बार वही नंबर वही नंबर वही नंबर आ रहा है, या मैक्सिमम टाइम जो नंबर आ रहा है वही मोड होता है। और हिंदी वालों को याद रखने के लिए देखो बहु बहु और लक समझ में आ रहा है, तो मतलब जिसका बहुत अच्छा लक हो, और जिसका बहुत अच्छा लक होगा वो बार बार आएगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए दिख रहा है अपन को 4 एक ही बार है, 5 भी एक ही बार है, 7 एक बार है, 8 भी एक बार है, लेकिन यहाँ पे ये 9 2 टाइम्स है, बाकी सब यहाँ पे एक बार है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 9, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम टाइम्स कौन सा नंबर आ रहा है, मतलब 9 आ रहा है, ठीक है। अब बहुत सी बार अब आपको सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये होगा जिसका डाउट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, कभी ऐसा हो गया मान लीजिए दो नंबर एक साथ, दो नंबर आ गए मान लीजिए रिपीट हो गए, जैसे कि मान लो एग्जाम्पल ले लीजिए क्वेश्चन का, जैसे कि क्वेश्चन 1 2 3 3 4 4 5 6, अब इस क्वेश्चन में आपको ये देखिए 3 3 भी 2 टाइम्स आ रहा है, 4 4 भी 2 टाइम्स आ रहा है, मैक्सिमम ये दोनों ही आ रहे हैं, अब इसका आंसर क्या होगा। देखिए मोड कभी भी ऐसा नहीं है कि एक ही होगा, जो मैक्सिमम आ रहा है ना वही आपका मोड होगा, इसलिए यहाँ पे मोड सिर्फ एक सिंगल नहीं होगा, यहाँ पे 3 एंड 4 इस क्वेश्चन के क्या हो जाएंगे, इस क्वेश्चन के आंसर के लिए मोड हो जाएंगे। अगर इस टाइप का कभी क्वेश्चन आया, 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं मैक्सिमम टाइम पे, तो वो 3 नंबर भी मोड हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ ले क्या मोड कि मतलब कोई एक नंबर से ज़्यादा कोई मोड हो सकता है किसी क्वेश्चन के लिए, जी बिल्कुल हो सकता है, 2 नंबर ही मोड हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 3 और 4 जो टू नंबर्स हैं वो मोड हो रहे हैं। अब कभी क्वेश्चन में मान लीजिए ऐसा आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, ये कभी आप ये मत सोचिएगा कि ये जो मीन है और जो मीडियन है हमेशा इक्वल ही आता है, नहीं वो बाय डिफॉल्ट आ गया, मतलब वो क्वेश्चन मैंने खुद से मन से बनाया, इस तरीके से फ्रेम हुआ वो कि दोनों में सेम आ गया, तो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि मोड और मीडियन हमेशा इक्वल ही आएंगे, ठीक है ना। इधर भी 8 आ गया मीन और इधर मीडियन भी 8 आ गया, तो मीन और मीडियन कभी भी इक्वल आए ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, इस क्वेश्चन में इत्तेफाक से आ गए हैं, बाकी कभी भी इक्वल आए ना आए इसमें कोई रिलेशन अपन बता नहीं सकते, जो रिलेशन आएगा मैं आपको आगे बताऊंगा, पर ऐसा मत सोचना
कि मीन एट आया है तो मीडियन निकालने की क्या जरूरत, डायरेक्ट सेम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मीन अलग रहता है, मीडियन अलग रहता है, ठीक है। हाँ अब मैं बता रहा था आपको क्या। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में, अब इस क्वेश्चन में तो भैया कुछ रिपीट ही नहीं हो रहा है। 1v1 टाइम्स है, 2v2 टाइम्स है, 3v3 टाइम्स है, 4v4 टाइम्स है, सभी कोई सा भी मतलब नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में आपका आंसर मीडियन क्या हो जाएगा, सॉरी मोड क्या हो जाएगा, 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई सा भी क्वेश्चन मतलब कोई सा भी नंबर रिपीट ही नहीं कर रहा है ना, इसीलिए। तो मोड 0 भी हो सकता है ना, जो नंबर बिल्कुल भी आपका रिपीट ही नहीं कर रहा उस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या हो जाएगा, 0 मोड, अगर आपको निकालना है, ठीक है। अब एक रिलेशन डायरेक्ट पूछ लेता है, मेन मीडियन मोड में क्या रिलेशन होता है, तो ये आपको याद ही होना चाहिए ना। अब इसकी ट्रिक मेरिक तो कुछ नहीं है, बाकी सिंपल सही है। बाकी एक तरीका ये, आप याद रखने का सिंपल से तरीका यही है कि अपन एक सीक्वेंस में बोलते हैं ना, अपन मोड मीडियन मोड मेन मीडियन मोड, तो मीडियन तो हमेशा बीच में ही बोलते हैं, तो ये बीच में आएगा, है ना। बाकी याद रख सकते हैं, बाकी सिंपल सा अगर एक मतलब ट्रिक टाइप नॉर्मली ट्रिक बनाना, बाकी इसमें आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा। तो देखिए मीडियन क्या है, बड़ा है, क्योंकि मीडियन में ज़्यादा अक्षर है और मीन में कम अक्षर है, इसीलिए मीडियन के साथ बड़ा अक्षर आएगा 3 और मीन के साथ छोटा अक्षर आएगा 2, क्योंकि बड़े में से छोटा घटाते हैं। बाकी आपको याद रखने में कोई प्रॉब्लम होगी भी नहीं, क्योंकि मोड इक्वल टू डायरेक्ट सिंपल सा फॉर्मूला ही है। मोड इक्वल टू आपका क्या होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मेन, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत सी बार पूछा जा चुका है, बहुत छोटे छोटे एग्जाम से लेके SSC CHSL तक में भी पूछा जा चुका है ना। तो इसीलिए आप मतलब फॉर्मूला याद रखिएगा, बाकी फॉर्मूला और कहीं कोई फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, बाकी सब तो ये आपको एक्सप्लेन कर ही दिया मैंने। अब देख देरी बहुत ज़्यादा रेंज है, तो रेंज का मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, रेंज का मतलब सिंपल सी बात है कि दो लोगों में कितना डिफरेंस है। मतलब कोई एक बिल्कुल मतलब एक बिल्कुल पढ़ने में बिल्कुल कम है, उसके बहुत ही कम मार्क्स आए, और एक बिल्कुल टॉपर है, तो उन दोनों के बीच की रेंज क्या है? तो रेंज कुछ नहीं है, रेंज इज नथिंग बट मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ठीक है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमेशा जब भी रेंज निकाल दो, रेंज नाम से ही समझ में आ रहा है कि रेंज कितनी है, तो सबसे पहले आपको बढ़ते क्रम में इसको जमाना ही पड़ेगा। नहीं भी जमाएंगे तो फिर आप उसको फाइंड कर सकते हैं कि सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, तो उस टाइम में कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए 1 सेकेंड मतलब 3 से 4 सेकेंड लगेंगे। आप जल्दी जल्दी उसको सिक्वेंस में जमा सकते हैं, छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में रेंज कितनी है, तो सिंपल सी बात है, सबसे बड़ा नंबर कितना है इसमें, 12 है, और सबसे छोटा नंबर कितना है, 4, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 8। तो आपको सिंपल से समझ में आ रहा है कि इन दोनों का रेंज कितना है, 8, मतलब कि सबसे छोटे वाले में और सबसे बड़े वाले के बीच की रेंज कितनी है, 8, ठीक है। बहुत सिंपल है टॉपिक, लेकिन इसके हर बार क्वेश्चन आते हैं, आप NTPC में चेक कर लीजिए, हर एग्जाम में 2 से 3 कुछ भी आए होंगे। अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे मीडियन दे दिया उसने, कभी क्या करेगा वो, मीडियन में उसने जैसे मान लीजिए अगर ये मेन दिया हुआ है ना, अब मेन ये वाला एक क्वेश्चन उसने जो क्वेश्चन दिया है, अब इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन ना दे के मान लीजिए कोई सा भी एक नंबर गायब करके ये 9 की जगह मान लीजिए वो एक्स दे देता, ठीक है। अब 9 की जगह एक्स दे देता और आपको डायरेक्ट मेन की वैल्यू दे देता 8 है, तो आपको क्या करना होता, फिर आप इन सब फिर आपको एक्स की वैल्यू निकालना होता। तो देखिए एक्स की वैल्यू बिल्कुल इजीली सिंपल सी निकल जाती, जब भी आप इसको ऐड करते तो इसको ऐड करने पे कितना होता आपका, 55 होता, और 9 की जगह जो वैल्यू आती वो कितनी आती, एक्स आती। और अपन को पता ही है कि मीन की वैल्यू क्या होती है, टोटल समेशन डिवाइड बाई जितने भी नंबर है, नंबर कितने यहाँ पे 8, और उसका मीन दिया हुआ होता वो जो कि कितना होता 8। तो ये क्या हो जाता, मतलब आपका बिल्कुल फॉर्मूला ही लगाना है कि टोटल समेश ये वाला होगा समेशन, और जितने भी नंबर है उससे डिवाइड किया हुआ है, और उसका आंसर जो कि मतलब मीन आएगा। हाँ तो देखिए मैं बता रहा था, मान लीजिए कभी इस 9 की जगह पे या किसी की भी जगह, मान लीजिए 4 की जगह पे एक्स दे दिया उन्होंने, फिर आपको इसका वो निकालना है मेन दे दी मतलब मेन वो एक्स की वैल्यू निकालना है, तो आपने इस कंडीशन में वो क्या देखे रखेगा आपको, एक तरफ वो आपको मेन की वैल्यू देगा, तो मेन तो अपन कैलकुलेट कर ही चुके थे 8 कितना आ रहा है, ठीक है, मेन इसका 8 आ रहा है। अब देखिए इन सबको आप ऐड करेंगे तो आपका कितना 64 हो रहा था, मतलब 60 हो जाएगा, आप ऐड कर लीजिएगा, मतलब मैं बता रहा हूँ 60 हो जाएगा, और प्लस एक्स भी रहेगा क्योंकि कहीं ना कहीं एक एक्स भी है। टोटल नंबर कितने हैं आपके, 8, और इक्वल टू में कितना रहे कितना है, मेन देख ही रखेगा वो 8। अब 8 उधर जाएगा, 8 × 8 कितना हो जाएगा, 8 × 8 आपका, 8 × 8 आपका 64 हो जाएगा, इक्वल टू आपका 60 प्लस एक्स बचेगा, 60 उधर चला जाएगा, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। देखिए क्रॉस चेक भी हो गए, अपन ने भी वैसे भी 4 को मान के ही करा था, तो ऐसा कभी कभी दे सकता है, तो आप घबराइएगा मत। मान लीजिए यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है, कभी भी मीडियन में कोई सी एक टर्म गायब कर दे वो,
ठीक है, वहाँ पे दो चीज़ एक्स दे दे, कुछ भी कर दे, उसकी वैल्यू निकालना है आपको, तो वो इजीली आप बिल्कुल निकाल सकते हैं ना। मोड मेरिट में एक्स का कोई लफड़ा ही नहीं है, ये वाला हो ही चुका था। रेंज मैंने आपको बता ही दिया, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। अब आता है देखिए डेविएशन। अब डेविएशन दो टाइप से निकलता है, एक निकलता है मीन के रिस्पेक्ट में और एक निकलता है मीडियन के रिस्पेक्ट में। लेकिन अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, सिर्फ डेविएशन दे दिया, तो आपको बिल्कुल मीन के रिस्पेक्ट में निकालना है, अंडरस्टूड है ना। माध्य के रिस्पेक्ट में निकालना है आपको, माध्य के उससे निकालना है, उससे उसका कोई लेना देना ही नहीं है। अगर लेकिन वो स्पेशली देखे रखे कि आपको मीडियन मीडियन डेविएशन निकालें या फिर माध्य का विचलन निकालें, तब आपको माध्यिका के रिलेशन में निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आपको एक बता देता हूँ, दूसरा बिल्कुल सेम टू सेम है, वो आप इजीली कर लेंगे, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। अब देखिए डेविएशन निकालते, वो डेविएशन नाम से ही समझ में आ रहा है, ये विचलन अलग ही समझ में आ रहा है। विचलन का मतलब क्या, कोई चीज़ कितनी उससे कितना विचलित हो गई, विचलित मतलब कितना दूर हट गई उससे ना। अब देखिए पहले तो इसको आपने सीक्वेंस में जमा दिया, नहीं भी जमाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बता चुका हूँ। लेकिन अगर आप नहीं जमाएंगे तो बहुत कहीं ना कहीं कुछ, अगर एक नंबर भी छूटा तो, अगर मान लीजिए एक कुछ आप गलती से, यहाँ पे 99 है, 19 नहीं लिख पाए आप, या फिर 9 से पहले कभी भी आपने गलती से सोच लिया सबसे छोटा नंबर 4 की जगह 5 देख लिया, अगर सिक्वेंस में नहीं जमाया, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप मतलब जमा लें, 3 से 4 सेकंड लगेंगे इसमें। अब देखिए डेविएशन निकालना है, तो कोई सी भी चीज़ कितने विचलन हो रहा है उसका, मतलब कितनी दूर है। अब मैं मीन के रिस्पेक्ट में निकाल देता हूँ, मतलब मैं आपको मीन डेविएशन बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए मीन डेविएशन नाम से ही समझ में आ रहा है, डेविएशन मतलब क्या होता है, विचलन होना। अब अपन सबसे पहले इसके लिए आपको क्या मीन निकालना पड़ेगा। अब मीन अभी अपन पहले ही निकाल चुके हैं, तो मैं आपको डायरेक्ट कर देता हूँ, आप खुद एक बार अलग से निकाल के ट्राई कीजिएगा। तो अभी अपन ने मीन निकाला था, अपना मीन कितना निकल के आया था पिछले क्वेश्चन में, क्योंकि मैं एक ही क्वेश्चन से आपको सभी चीज़ बता रहा हूँ, जिससे कि आपको भी मतलब थोड़ी आसानी रहे और टाइम भी आपका कंज्यूम ना हो ज़्यादा। तो अपना मीन की वैल्यू कितनी आई थी, 8 आई थी, ठीक है। अब बिच अपन को निकालना है मीन डेविएशन। अब मीन डेविएशन मीन से कितना डेविएशन हो रहा है उसका, कितना विचलन हो रहा है माध्य से, यही मीन डेविएशन होता है। देखिए मीन डेविएशन कुछ नहीं है, 8 से 4 में आपने देगा, तो अपना मीन 8 था, लेकिन अपना एक नंबर कितना था, 4। तो मतलब पहला वाला नंबर मीन से कितना विचलन हो गया उसका, या कितना विचलित हो गया, वो हो गया देखिए 4, ठीक है। अगला वाला कितना विचलन हो गया, 3। कुछ नहीं लेना है, मतलब आपको उसका डिफरेंस लेना है। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, विचलन का मतलब क्या, कितना उससे विचलित हो गया, कितना उससे दूर हो गया, या कितना उनके बीच में डिफरेंस है। अब 8 से 7 में कितना डिफरेंस है, 1। 8 to 8 में कोई डिफरेंस नहीं है, 0। 8 to 9, अच्छा नेगेटिव में नहीं लेना, एक बात याद रखिएगा, वरना आप कन्फ्यूज़ हो जाएँ कि अपन मतलब मीन में से नंबर घटा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। अपन को पॉजिटिव लेना, बड़े में से छोटा ईजिली घटाना है। अब 9 में से 8 गया तो 1 बचेगा, 9 में से 8 गया 1 बचेगा, 10 में से 8 गया 2 बचेगा, 12 में से 8 गया कितना बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। जब आप इनको सम करेंगे तो देख लीजिए, 4 3 7 1 8 1 9 1 10, 4 14 और 2 16, कितने हो गए टोटल, 16। अब ये तो अपना मेन डेविएशन निकालना है अपन को, ये तो इतना इससे दूर हुआ है, लेकिन कितने नंबर है, इससे भी तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो कितने नंबर है यहाँ पे, टोटल 8, तो 16 डिवाइड बाई 8 कितना आ जाएगा आपका, 2। यहाँ पे आपका मेन डेविएशन आ गया। अब मैंने आपको मेन डेविएशन बताया, अब ऐसे ही मीडियन डेविएशन भी निकल सकता है। तो मीडियन डेविएशन में भी कुछ नहीं होगा, जो भी मीडियन की वैल्यू आएगी, जैसे मीडियन की वैल्यू पहले अपन देख ही चुके हैं, मीडियन की वैल्यू कितनी आई थी अपनी, शायद 8.5 आई थी, चेक कर लीजिएगा पीछे, मीडियन की वैल्यू अपनी 8.5 आई थी। तो 8.5 से इन सभी नंबरों का कितना डिफरेंस है, उसके हिसाब से आप उन सबको ऐड कीजिएगा और उसमें जितने भी नंबर है से डिवाइड कर दीजिएगा, ये भी बिल्कुल सिंपल है। अगर हाँ, ये एक बार वो बता देता हूँ मैं, अगर मान लीजिए कभी भी उसने सिर्फ डेविएशन दे दिया निकालने का, या फिर मेन डेविएशन स्पेशली, मतलब अगर उसने डेविएशन दे दिया तो आपको हमेशा मेन के रिस्पेक्ट में ही निकालना है, ठीक है। और अगर मान लीजिए उसने मेन डेविएशन दिया, तब तो मेन से ही निकालना है, पर वो स्पेशली मेंशन करता है कि मीडियन डेविएशन निकालें, तब आपको मीडियन के रिस्पेक्ट में निकालना है, बाकी आपको मीन के उसमें ही निकालना है। अब इसमें एक और अगली चीज़ होती है वेरिएंस। वेरिएंस मतलब क्या होता है, विचरण, ठीक है। अब विचरण भी कुछ नहीं है, सेम चीज़ है, जो भी आपने ये निकाला है ना डेविएशन, बिल्कुल उसका ही स्क्वायर करके उसको ऐड करना है। देखिए आपको बता देता हूँ, अब वेरिएंस निकालना है ना। अब सबसे पहले वेरिएंस के लिए देखो, अब मान लीजिए वेरिएंस, अगर एग्जाम में वेरिएंस का क्वेश्चन आ गया है, तो मैं अभी आपको बिल्कुल जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, तो आपको ऐसा लग रहा है अरे कितना सा सिंपल टॉपिक है ये है, लेकिन वहाँ पे एकदम क्लिक करना ही आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। तो इसमें सबसे पहले तो आपको मेन निकालना पड़ेगा, जो अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको मेन निकालना पड़ेगा, जो कि कितना है, 8।
ठीक है, अब आपने मीन निकाल लिया, उसके बाद फिर आपको डेविएशन निकालना पड़ेगा, वो भी मीन डेविएशन। ठीक है, अब मीन डेविएशन कैसे निकलेगा, देखिए 8 और 4 में कितने का डिफरेंस है, 4 का, लेकिन यहाँ पे अपन वेरिएंस निकाल रहे हैं तो इन सभी नंबरों का स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर 8, ये देखिए 8 से 5 के बीच में कितना डिफरेंस है, मतलब 3 का डेविएशन है तो उसका स्क्वायर, क्योंकि अपन वेरियंस निकाल रहे हैं यहाँ पे, 8 से 7 के नीचे कितना डिफरेंस है, 1 का, 8 to 8 कितने का डिफरेंस है, 0 का, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, लिख के बता दिया, बाकी लिखने की जरूरत नहीं थी, 1 का स्क्वायर क्योंकि 9 और 8 में 1 का डिफरेंस है, इसमें भी 1 का डिफरेंस है, 10 और 8 में कितने का डिफरेंस है, 2 का, 8 और 4 में फोर 8 और 12 में कितने का डिफरेंस है, 4 का, और टोटल नंबर कितने हैं अपन को पहले से ही पता है, अपन को 8 है, बाकी आप काउंट कर लीजिएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 1 का स्क्वायर 1, 0 का 0, 1 का 1, 1 का 1, 2 का 4 और 4 का 16, जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये अपना आ जाएगा 16, 9, 41, ठीक है, तो ये 48 आ गए, और टोटल नंबर मेरे कितने थे 8, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8 into 6 48। ठीक है, वेरिएंस सिंपल सा है, समझ गए, वेरिएंस में आपको सबसे पहले मीन निकालना पड़ेगा, फिर मीन से इन सभी नंबरों का आपको डिफरेंस देखना है, उनका स्क्वायर कर देना है, उन सबको ऐड करना है, उसमें जितने भी नंबर है उससे डिवाइड कर देना है। अब चलते हैं अगली चीज़ में, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सी बार पूछा भी जा चुका है। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन में आपको कुछ नहीं करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब मैं देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन इज नथिंग बट रूट अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, अब अपन वेरिएंस तो अभी देख ही चुके थे, अपना वेरिएंस कितना निकल के आया था, 6। ठीक है, मेरा वेरिएंस कितना निकल के आया था, अंडर रूट 6, एक मिनट, सॉरी सॉरी, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, अंडर रूट वेरिएंस। अब स्टैंडर्ड डेविएशन मेरा कितना, अंडर रूट 6 है, तो यही मेरा आंसर हो गया, अगर ये मान लीजिए सोल्व हो रहा होता तो सोल्व हो जाता है, लेकिन यहाँ पे सोल्व नहीं हो रहा है। लेकिन अब मैं आपको एक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन बता देता हूँ, देखिए मान लीजिए यहाँ पे तो 6 आई है अपना वेरियंस की वैल्यू, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ नहीं होता, अंडर रूट वेरियंस हो जाता है, डायरेक्ट 6 अंडर रूट 6 हो गया। मान लीजिए कभी मेरी वेरियंस की वैल्यू आ जाती कितनी, 16 आ जाती, ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने का बोलता तो आप इसका अंडर रूट करते, लेकिन ऑप्शंस वाला उलझाने के लिए अब आपको आंसर देखता, ऑप्शंस में आपको ये दे देता, एक तरफ दे देता 4, एक तरफ दे देता -4, ऑप्शन नंबर सी करके दे देता वो आपको +-4, क्योंकि आपको पता ही है कभी भी स्क्वायर से कोई चीज़ बाहर निकलती है तो प्लस और माइनस दोनों में निकलती है, तो एक बात याद रखना, स्टैंडर्ड डेविएशन कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए ये वाला ऑप्शन भी कट गया और ये भी कट गया, इसीलिए सिंपल सा आपका आंसर ये हो जाएगा, तो इसीलिए मतलब ऑप्शंस में कंफ्यूज मत होना, हो सकता है ये वाला ऑप्शन भी दे दे आपको, ये भी दे दे, -4 तो अलग ही समझ में आ रहा है, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन +-4 का कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि अंडर रूट से बाहर निकल रही है 16, तो आपको लगेगा +-4 होगा, लेकिन ठीक है ना, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है। अब कभी वो ऐसा भी कर सकता है कि उसने स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया और वेरिएंस पूछ ले, तो वेरिएंस पूछ ले और आपको इतना डेटा कुछ भी नहीं दिया, और 4, 5, 6 से डायरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया, तो देखिए सिंपल सी बात है, स्टैंडर्ड डेविएशन अगर उसने दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दे दिया और वेरिएंस पूछ रहा है, तो मान लीजिए स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दे दिया 16, ठीक है, अब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन, और आपको पता है वेरिएंस क्या होता है, अंडर रूट में वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। अब आप मान लीजिए दो ही तरफ स्क्वायर करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर, और इधर अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो वी बचेगा, वेरिएंस बचेगा मतलब, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256, तो यहाँ पे आपकी वेरिएंस की वैल्यू डायरेक्ट निकल जाएगी 256। ठीक है, अब चलते हैं अगली चीज़ पे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, विचरण गुणांक। ठीक है, अब देखिए विचरण गुणांक, यहाँ पे विचरण गुणांक निकालना है तो ये तो बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको, मीन के रिस्पेक्ट में स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है आपको परसेंटेज के टर्म्स में कन्वर्ट करना है, मतलब परसेंटेज तो आपने पढ़ा ही होगा, देखिए सिंपल सा है कि आपका स्टैंडर्ड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बताना विचरण गुणांक। ठीक है, अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ विचरण गुणांक आपको बताना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपका कितना था, स्टैंडर्ड डेविएशन अभी आपने निकाला है इस क्वेश्चन में कितना निकला था, अंडर रूट 6 निकला था, ठीक है, अंडर रूट 6 निकला था। ठीक है, अब उसके बाद इसका जो आपका मीन निकला था वो कितना निकला था, 8, और इसमें आपसे परसेंटेज बनने लगी अंडर रूट
सॉरी इंटू 100 कर देंगे, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब कुछ नहीं होता, स्टैंडर्ड डेविएशन मीन के रिस्पेक्ट में कितना है उसमें मल्टीप्लाई बाई 100 कर देते हैं ताकि एक वैल्यू थोड़ी छोटी आए, यही आपका क्या होता है कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन। वैसे भी कोफिशियंट किसी के रिस्पेक्ट में ही निकलता है। ठीक है, तो ये बस इसी के साथ आपका ये टॉपिक खत्म होता है। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और आपको कुछ भी डाउट होता है या आपको कुछ कमी लगती है कि हम आप इस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं या नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा पढ़ना है या किस सब्जेक्ट का पढ़ना है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।